हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो क्रोमाटेक यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे MIUI 12.5 एंड्रॉयड 11 बेस्ड ग्लोबल स्टेबल रोम के बारे में, जो कि रेडमी K20 प्रो के अंदर मैंने इंस्टॉल कर रखी है। सबसे पहले चलेंगे इस रोम के अबाउट फोन के अंदर। यहाँ पे आपको मिलता है अबाउट फोन के अंदर डिवाइस नेम Mi 90 प्रो, उसके बाद MIUI वर्जन आप देख सकते हो 12.5.1 स्टेबल वर्जन है। और अगर हम चेक करें ना यहाँ पे व्हाट्स न्यू के अंदर, सो आई थिंक आपको जो है परमिशन नहीं मिलेगी। एक टेस्टर्स के लिए आपको मिलता है, मी पायलट यूज़र वगैरह पता नहीं क्या कुछ होता है उनके लिए, जो रिलीज़ किया था वही यहाँ पे अपडेट आपको मिल जाता है। फिलहाल के लिए ग्लोबली भी ऐसे पब्लिकली रोल आउट आई थिंक नहीं किया गया, सो वेट कर लो। इसके बाद इंडिया की बारी है, इंडिया के अंदर आपको मिलेगा। एंड ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि चीज़ें हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगी वो आपको मैं आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो आप देखोगे ना डिवाइस ने मी 90 प्रो है, क्योंकि रेडमी के 20 प्रो ग्लोबली मी 90 प्रो नेम से यहाँ पे लॉन्च हुआ था। उसके बाद एंड्रॉयड 11 आपको मिल जाता है, सो यू कैन एन्जॉय ऑल लेटेस्ट फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड 11 ऑन दिस MIUI 12.5 अपडेट। उसके बाद बात करेंगे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल की, तो वो आपको थोड़ा सा ओल्ड ही देखने को मिलेगा, 2021.0.5.0.1 का मिलता है। उसके बाद MIUI वर्जन आप चेक कर सकते हो। पफ माइनस का कर्नल आपको इस रोम के अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। चलो अब बात करेंगे इस रोम के ऊपर फीचर्स की जो आपको मिसिंग मिलते हैं बाकी अदर चाइना रोम से, या फिर कोई Xiaomi.u रोम हो, कोई भी बीटा रोम आप चूज़ कर लो, उससे जो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कोई वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का आपको सेक्शन नहीं मिलता ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले के ऊपर, जो कि आपको मिलता है चाइना के रोम्स के अंदर, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंड यही ग्लोबली आपको जो कंट्रोल सेंटर मिलता है जिसके अंदर कोई डेटा यूसेज आप चेक नहीं कर सकते, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली ये फीचर आपको मिल जाता है, जो आपका ब्राइटनेस स्लाइडर है वो यहाँ पे पिन हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे वॉल्यूम स्लाइडर की बात करें तो कुछ इस तरीके से आप बग देख सकते हो, और समटाइम्स आपका टोटली ब्लर हो जाता है, ये कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। DND के ऊपर आप स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ज़्यादा लेटेस्ट फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे डिस्प्ले के अंदर। ये सेक्शन है साउंड एंड वाइब्रेशन का सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कोई कलर्ड नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता। एंड सबसे वियर्ड थिंग आपको इस अपडेट के अंदर मिलती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वॉलपेपर कैराजोल का जो नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पे नहीं जाने वाला। आप जैसे टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, तब आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, बट थोड़े टाइम बाद फिर से आ जाएगा, ये आपको फोर्स करता रहेगा कि आप इसको ऑन करो ऑन करो। डेफिनेटली आप इसको ऑन कर सकते हो। उसके बाद होम स्क्रीन का सेक्शन है, और जो जेस्चर वाला सिस्टम है ना वो आपको अभी यहाँ पे मिलेगा, कोई पोको लॉन्चर नहीं मिलता। एंड इसके बारे में आगे और बात करेंगे, बाकी चीज़ें सभी सेम है। वॉलपेपर के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो आपको थीम स्टोर के अंदर ले जाएगा, एंड जो थीम स्टोर है ना वो आपका टोटली यहाँ पे ग्लोबली है, इंडियन आप मान सकते हो या फिर जिसको आप डेफिनेटली इंग्लिश के अंदर यूज़ कर सकते हो, टोटली आपको यहाँ पे ना चाइनीज़ नहीं मिलता। और वॉलपेपर के अंदर सुपर लाइव वॉलपेपर्स के अंदर आपको ये वॉलपेपर्स वगैरह मिल जाते हैं, अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो इनको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, बाकी इनको डाउनलोड आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। एंड लाइव वॉलपेपर वगैरह ये कुछ आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड कोई भी यहाँ पे आपको वॉलपेपर का सेक्शन ही नहीं मिलता, आप जैसे जाओगे तो आपका थीम स्टोर यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। थीम्स के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपको थीम्स के ऊपर ही ले जाएगा। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको ये फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद एडिशनल के अंदर आते हैं तो ब्यूटीफाई फॉर वीडियो कॉल्स का एक ऑप्शन मिलता है, जो कि वी चैट वगैरह के अंदर वर्क करता है। डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आपको एंड्रॉयड 11 के फीचर्स मिलेंगे। स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो वगैरह सब कुछ आपको वर्किंग मिल जाता है। सो यही आपको ओवरऑल यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो डेफिनेटली मत करना, कुछ ज़्यादा खास आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे जो कि इस अपडेट के अंदर आपको थोड़ी सी ऐसे वियर्ड या फिर सिमिलर टू मिलती है चाइना रोम्स के, तो वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले गूगल का एक सेक्शन है, यहाँ पे गूगल के कुछ और ऐप्स थे और वो ना ऐसे डाउनलोडेड नहीं थे, वो ऐसे डिम थे थोड़े से, तो इनको मैंने रिमूव कर दिया। उनको आप इजीली रिमूव कर सकते हो, बट जो टूल्स के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं ना, इन ऐप्स को आप डेफिनेटली यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते। आप कुछ इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हो, ये आपका रिमूव हो जाएगा। सो इससे थोड़ा रैम मैनेजमेंट तो आपका काफ़ी बच जाएगा, बट एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। सो अनइंस्टॉल्ड सिस्टम ऐप्स के अंदर आप आओगे ना, यहाँ पे आपको कोई भी अभी ऑप्शन नहीं मिलता। सो एक बार आपको मैं फिर से कुछ चीज़ें अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, इसको आप रिमूव कर सकते हो।
जो कि MIUI 12.5 के अंदर प्रॉमिस किया गया था, जो कि आपको मिलने वाला है। बट यहाँ पे आपको कोई भी देख सकते हो ऑप्शन नहीं मिलता। मैनेज ऐप्स के अंदर आते हो तो एक बार मैं FM रेडियो वगैरह डाल देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो ये आपका डिसेबल हो चुका है, ना कि आप इसको जो है अनइंस्टॉल कर सकते हो। कम्प्लीटली अनइंस्टॉल एंड डिसेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे। एंड जो शेयर मी है ना, वो भी आई थिंक आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इन सब चीज़ों के साथ आपको जीना पड़ेगा इस अपडेट के ऊपर। उसके बाद मी पे का ऑप्शन आपको मिल ही जाता है, वो तो ऑलरेडी सभी रॉम्स के अंदर मिलता है, डेफिनेटली इसको भी आपको झेलना पड़ेगा। चलो एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है कि आपको यहाँ पे ना कोई भी जो है पोको लॉन्चर वगैरह नहीं मिलता, आप देख सकते हो आपको यहाँ पे पिल वगैरह सब कुछ वर्किंग मिल जाती है। एंड डेफिनेटली ना एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि जो रोम है ना, या फिर ये जो अपडेट है, ये काफ़ी स्मूथ है। आपका फाइल मैनेजर भी आपको ग्लोबल वाला ही देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली ग्लोबल रोम है तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो ग्लोबली ही देखने को मिलेंगी। सो आप देख सकते हो एनिमेशन के अंदर मेरे को यहाँ पे ना कोई लैग वगैरह नहीं मिला, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है ये चीज़ तो मैं बोल सकता हूं, और मेरे को कोई भी यहां पे लैग वगैरह नहीं आया। इवन मैंने जो है इंस्टॉल करने के बाद भी मेरे को कोई यहां पे इशू नहीं आया, और रैम मैनेजमेंट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। रैम मैनेजमेंट मैंने नोटिस किया काफी अच्छा है। कैमरा के ऊपर आ जाते हैं, सो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोड्स वगैरह मिल जाएंगे, व्लॉग मोड, AI पोर्ट्रेट वगैरह। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। क्लोन मोड मिल जाता है शॉर्ट वीडियो वगैरह, तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। आप मैक्सिमम वीडियो है जो 4K 60 FPS जो कि एज इट इज़ है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, और फोटो के अंदर AI का ऑप्शन मिलता है, एंड गूगल लेंस का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो डेफिनेटली इसको भी साथ में ट्राई कर सकते हो। GCam यूज़ करना चाहते हो साथ में तो डेफिनेटली 8.1 के ऊपर आप यहाँ पे ना वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड स्लो मोशन वीडियोस भी आपकी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क करती हैं। समटाइम्स यहाँ पे इशू आ जाता है, बट कोई बात नहीं, आप कैमरा चेंज करके भी इसको फिक्स कर सकते हो। चलो अब कमाल की बात करेंगे जो है इसकी परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका N22 बेंचमार्क स्कोर। सो ये मैंने थर्ड टाइम रन किया है। सबसे पहले मेरे पास जो एक था वर्जन वो था 9.0.3 वाला, उसके ऊपर तो 86% के बाद डिस्प्ले वाइट हो जाती है और उसके बाद ये स्टक हो जाता है और इसने रन ही नहीं किया। तो ये वाला मैंने अपडेट किया है गेट ऐप से, गेट ऐप्स आपको मिल जाता है, उसके अंदर से आप अपडेट कर सकते हो। जो स्कोर मिलता है वो 5,15,000 के आसपास मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, एंड ये लेटेस्ट वर्जन है तो इतना स्कोर आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। उसके बाद Geekbench 5 के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे जो स्कोर आपको मिलता है ना वो भी आपको दिखाता हूँ। 525 का सिंगल कोर एंड मल्टी कोर है 2300 के आसपास, जो कि ये भी ठीक ठाक स्कोर आपको मिल जाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ और नोटिस यहाँ पे करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ना मैं यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग ग्राफ का जो है एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो ये है इसका CPU थ्रोटलिंग ग्राफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बट यहाँ पे मैजिक आप देखो कि जो आपके मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है ना वो 1.8 GHz के ऊपर ही आपको देखने को मिलती है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। अब कस्टम रोम्स के अंदर भी ये इशू आता है, बट वहाँ पे ना थर्मल प्रोफाइल्स के थ्रू इसको सेट किया जा सकता है। अब मेरे को यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिला जिसके थ्रू मैं इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 2.84 GHz के ऊपर ले जा सकूँ, या फिर जो नॉर्मल स्पीड है इसको कर सकूँ एक्सेप्ट कर्नल चेंजिंग। तो एक ही कर्नल आपको इसके लिए मिलता है, वो है मेरिसा कर्नल। तो मैंने इसको स्टॉक के ऊपर ही रिव्यू करने का यहाँ पे सोचा है, तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे ट्राई करने वाले हो तो ये चीज़ नोटिस ज़रूर करना। एक बार आपको मैं फिर से यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ताकि आप यहाँ पे ना यकीन कर सको CPU थ्रोटलिंग टेस्ट के अंदर। तो नीचे आप देख सकते हो अभी मैंने इसको जो ना अभी रन नहीं किया, बट जैसे मैं रन करता हूँ फिर भी आप यहाँ पे स्पीड देखोगे 1.8 GHz के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो 2.84 GHz पता नहीं कहाँ गया, तो ये स्पीड आपको या फिर ये जो परफॉर्मेंस है ना कुछ इस तरीके से मिलेगी। अब रही बात इस स्पीड की, तो यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है ना इस स्पीड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सलेंट आपको मिलेगी, ये चीज़ आप नोटिस करोगे, तो ये चीज़ आप यहाँ पे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ अब बात करेंगे यहाँ पे PUBG की या फिर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की। तो सबसे पहले ना आपको थैंकफुली यहाँ पे मिल जाता है वॉइस चेंजर और जो ग्राफिक्स ऑप्टिमाइजेशन वाला एक ऑप्शन है ना जिससे सैचुरेटेड वगैरह आप कर सकते हो, तो वो भी आपको फीचर इस अपडेट के अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अगर आप अपडेट करना चाहते हो डेफिनेटली इसको कर सकते हो, बट उससे पहले गेमिंग रिव्यू आप चेक कर लो। तो गेमिंग का ना आपको मैं हाल बता देता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे जो रोम है ना, सीपीयू थ्रोटलिंग ग्राफ जो मैंने आपको शो किया उसका मेरे को नहीं पता 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्यों शो करता है, बट जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना डेफिनेटली ओपी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इस रोम के ऊपर होने वाला है और मेरे को ना कोई भी ऐसे लैग वगैरह नहीं फेस करना पड़ा। आपको जो FPS है वो 5960 के आसपास ही देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। और गेम प्ले है वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ये स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के ऊपर आप देख रहे हो, सो मेरे को ना यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आया गेमिंग के टाइम। मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो डेफिनेटली इस रोम को यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। बट जो चीज़ें मैंने आपको बता दी ना पहले, तो उनको एक बार ज़रूर से ध्यान रख लेना, और बाकी आप यहाँ पे फीचर्स को जो है डेफिनेटली मिस करने वाले हो, बट गेमिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली यार टॉप नॉच आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।